करनाल में 24 घंटे खुले रहने वाले एएमपीएम स्टोर पर मंगलवार सुबह 7 बजे चार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने स्टोर पर मौजूद दो कर्मचारियों के ऊपर पिस्टल तान दी और दो अलग अलग गल्लों में से करीब 70,000 रुपये लूट कर फरार हो गए। सीसीटीवी में आरोपियों के चेहरे साफ नजर आ रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उसका इमदाद तो पब्लिक की बाहर कोई उन्हीं के स्टाफ में भी सिर्फ दो ही आदमी थे और उन दोनों से जो भी पैसे उस टाइम इनके अवेलेबल थे फराई के लिए। इतना ही नहीं, लुटेरे दोनों कर्मचारियों के फ़ोन भी लेकर चले जाते हैं और जाते जाते पुलिस के नाम कर्मचारी को एक संदेश देकर जाते हैं, अगर पुलिस में दम है तो पकड़ कर दिखाए। अपने सेटलमेंट कर रहे थे, कल चार लड़के आए, पहले दो लड़के आए, उन्होंने सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम लोग सामान ले रहे हैं, ये दिखाने के लिए वो आए, उन्होंने सामान लिया, फिर दो लड़के और आए उनके उसके बाद और उन्होंने थोड़ा टाइम देखे कि कस्टमर नहीं है, कोई भी पब्लिक नहीं है, जैसे ही उनको देखा कि उनका रास्ता साफ आए, फिर उन्होंने जो उनका देसी कट्टा था वो निकाला और मेरे हमारे पास हमारे सामने रख दिया कि जितना भी कैश है निकाल कर दो हमें। हमने रिक्वेस्ट करी उनसे बट उन्होंने नहीं माना और फिर लास्ट में फिर वो हमारे से सामान लेके गए, सारा कैश लेके गए हैं, सामान लेके गए हैं, दो मोबाइल भी जाते जाते ले गए हैं और एंड में ये कह के गए हैं कि सर पुलिस वालों को बोल देना, जो हो सके वो कर लेंगे, हमें पकड़ के दिखा देंगे, उन्होंने ये बात। स्टोर में मौजूद सीसीटीवी में आरोपियों के चेहरे साफ नजर आ रहे हैं। घटना के बाद सिटी एसएचओ और डीएसपी वीरेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी को कब्जे में लेकर आरोपियों की पहचान की जा रही है।